प्रेमी भक्तों, ये भयंकर समय तुम्हारे सिर पर खड़ा हुआ है। संत अच्युतानंद जी ने, जो उड़ीसा के संत हैं, जो 600 वर्ष पहले हुए हैं, उन्होंने इस समय के लिए भविष्यवाणी में कहा है कि एक ऐसा समय आएगा, कुदरत का ऐसा तमाशा लगने वाला है जिसमें तमाशे के बाद लोग जो है होश में आएंगे। इसीलिए सत्य की ओर नहीं आ रहे, असत्य की ओर भाग रहे। उन्होंने बताया है कि सन 2022 से 2030 के बीच में ऐसे भयंकर समय आएगा, एक विश्वयुद्ध का समय आएगा जो 22 से शुरू हुआ और 27-28 तक चलेगा, और वो भयंकर समय चल रहा है। आप लोगों ने देखा हो या समझा हो या नहीं समझा हो, 2022 में रूस और यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ है, वो आज भी बंद नहीं है। उसके बाद देश में गाजा हवास इजराइल से युद्ध शुरू हुआ है, वो भी बंद नहीं हुआ है। और इस वर्ष पाकिस्तान और ईरान में युद्ध शुरू हुआ है, ये भी अभी बंद नहीं हुआ है और बंद नहीं होगा। और अब 2024 से लेकर के 25 तक भारतवर्ष से 13 मुसलमानी देश और एक चीन, ये 14 देश मिलकर के लड़ेंगे। घमासान युद्ध होगा जिसमें 70 परमाणु बम जो है बड़े बड़े शहरों पर डाले जाएंगे, जिसमें सारी दुनिया में 10,000 शहर नष्ट हो जाएंगे। कितनी जनता नष्ट होगी? बहुत जनता नष्ट होगी। युद्ध में बहुत लोग मारे जाएंगे। परमाणु बम में, एक परमाणु बम में इतनी क्षमता होती है कि 100 किलोमीटर इधर और 100 किलोमीटर इधर, चारों तरफ 100-100 किलोमीटर के इर्द गिर्द में उसका असर पड़ता है। आज के कुछ समय पहले नागासाकी में युद्ध हुआ था, उसको करीब जो है 40-50 साल हो गई है। आज भी वहां बालक पैदा होते हैं तो अपंग, लूले, लंगड़े ये पैदा हो रहे हैं। और अच्युतानंद जी 600 वर्ष पहले हुए, उन्होंने ये बात बताई। इसी बात को नास्त्रेदमस फ्रेंड्स का, जो नास्त्रेदमस है, उसने बताया, डॉक्टर बेंगा ने बताया और डॉक्टर जूलबर्ग ने बताया, और करीब 8-10 लोगों ने ये भविष्यवाणी की है कि युद्ध होगा। युद्ध, ये युद्ध घमासान युद्ध 24 से 25 के बीच में हो जाएगा। उसी बीच में आकाश में करीब 40 साल से 1 किलोमीटर का खगोल पिंड आ रहा है, उसका टाइम आ गया है, वो भी उसी टाइम करेगा। उससे 13 देश जो है जलमग्न हो जाएंगे, डूब जाएंगे, जैसे इंग्लैंड है, जापान है, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और हिंदुस्तान का पूर्वी दक्षिणी भाग, और अमेरिका का एक हिस्सा डूब जाएगा, और यूरोप के करीब 30-35 देश डूब जाएंगे। ये घमासान कैंप जो है आ रहा है, और हम लोग जो है अभी नाहोश में है, अभी होश नहीं है। तभी तो ये बात संतों ने कहा है कि कुदरत का ऐसा तमाचा लगेगा जो आदमी होश में आ जाएगा, सत्य की ओर आ जाएगा। अभी हम सत्य की बार कहते हैं तो लोग यहां नहीं आते हैं, फिर लोग हमें ढूंढते फिरेंगे कि वो आदमी कहां है जो सत्य की बात कर रहा है। अभी जो है असत्य की ओर हम दौड़ रहे। प्रेमी भक्तों, ये ज्ञान जो है कैसा ज्ञान है? ये ऐसा ज्ञान है कि अगर तुम निर्धन हो जाओ और तुम भजन ध्यान करते रहो तो तुम्हें जीवन जीने की कला आ जाएगी। निर्धन होने पर भी तुम प्रसन्न बने रहो। अगर तुम्हारी पत्नी खत्म हो जाती है और तुम अगर इस ज्ञान का अभ्यास रोजाना 1 घंटे करते हो तो तुम्हारे अंदर जो है ज्ञान की लहर जो है दौड़ती रहेगी। अगर तुम्हारा पति खत्म हो गया
अगर तुम्हारी पत्नी खत्म हो गई तो तुम्हें जीवन जीने की कला ये बनी रहेगी और तुम जो है अपनी जिंदगी को आसानी से काट सकते हो। प्रेमी भक्तों, ये भक्ति का मार्ग है, ये कोई ऐसा मार्ग नहीं है, ये भक्ति का मार्ग है। भक्ति का मार्ग हमें जीवन जीने की कला सिखाता है और भक्ति उत्पन्न करता है। भक्ति उत्पन्न होने से ज्ञान और वैराग्य ये पैदा हो जाते हैं। प्रेम भक्तों, लेकिन भक्ति है कहाँ? भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति जो है, देखो रामायण में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ये बताया है कि भगवान राम जो है वो शिवरी से कहते हैं। क्या कहते हैं? नौ प्रकार की भक्ति बताई है, उनमें से पहली भक्ति उन्होंने कौन सी बताई है? कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंग। जी कहते हैं कि भगवान श्री राम पहली भक्ति कहां बताते हैं? कि जो संतों के संग से, संतों के चरणों से उदय होती है। कहां से उदय होती है? संतों के चरणों से। अब बताइए, भक्ति का जन्म ही संत और सदगुरु की चरणों से उदय होता है, जन्म होता है। तो अब बताइए, आपको कहां जाना पड़ेगा? हमें संतों के पास जाना। संतों ने यह भी बताया है, क्या बताया है? कि हर दरबारी साधु है, हर इनसे सब कछु होए।